यहाँ पे लड्डू गोपाल को खाना खिलाने के बाद मैं दोबारा जो है किचन में आ चुकी हूँ। और किचन में आने के बाद जो मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ, ये मैं पहले भी दिखा रही थी, तो ये हमारी रात की बची हुई रोटी है। तो आपने देखा कि मैं पकौड़े बना रही हूँ, तो इस बची हुई रोटी से जो है मैं पकौड़े बनाऊँगी। जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है तो आप इसको रोटी पकौड़ा या चपाती पकौड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। बेसन में अच्छे से सब कुछ मिलाने के बाद और आप इसको डिप करके और तेल में फ्राई कर दे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो एक एक करके अभी मैं फ़िलहाल वही डाल रही हूँ। तो एक रोटी के मैंने चार पीस किए हैं, चार तिकोने से पीस, तो एक एक करके वही डाल रही हूँ और इनको अच्छे से जो है मैं सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से बेसन इन लग के जब गई कढ़ाई के अंदर और फूलने लगी है, कितना अच्छे सा इनका कलर आ रहा है, तो बहुत क्रिस्पी हो रही थी। तो इस तरह से रोटी जो है वेस्ट नहीं होती है, और जब भी कभी ऐसे रोटी बचे हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरी बनाना तो कुछ और था पर बन कुछ और गया, बस यही है। तो अब फिलहाल आप भी इन पकौड़ों को देखिए और अच्छा लग रहा है तो खुद भी बना लीजिए, ये बोलूँगी खाइए। तो दूर हूँ मैं तो किचन की गर्मी, देखिए बुरा हाल हो गया किचन की गर्मी से। और ये मेकअप दिख रहा होगा आज आपको, आई शेडो वगैरह लगा रखा है, सब फैल गया, ये गर्मी से फैल गया है। मेकअप नॉर्मली आप देखते हो मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे मेकअप के तौर पर सिर्फ लिपस्टिक लगी होती है। पर आज मैंने एक मेकअप वीडियो शूट किया है जिसकी वजह से मेकअप किया था, और मैंने सोचा पहले लंच बना लिया जाए, हस्बैंड को लगी थी भूख और उन्होंने कहा कि बनाइए पकौड़े। तो आज जैसे कि आपने देखा पकौड़े, रोटी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और बनाए हैं आलू के पकौड़े। तो इतना टाइम हो गया था कि मैं अगर मेकअप भी रिमूव करती फिर और टाइम लगता, तो मैंने फटाफट किचन में जाके ये सब बना दिया। और अभी थोड़ी देर में इसको पहले अब खा लूँ क्योंकि भूख लगी है, फिर मेकअप को करती हूँ रिमूव। कैसे भूत बन गई हूँ। तो फिर चलो पहले कर ले हम अपना लंच और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए रोटी के कितने अच्छे से फूले फूले से पकौड़े बने हैं ये। तो अगर आपके घर भी ऐसे रोटी बचती है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, टेस्टी भी होते हैं और रोटी का यूज़ भी हो जाता है। रोटी का कितनी चीज़ों में यूज़ होता है, रोटी का पोहा भी बना सकते हैं, रोटी का आप क्या बोलते हैं उसको मीठे में बनाते हैं, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आता, चूरमा वगैरह डाल के बनाते हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा यार मुझे उसका वो, और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी मैंने तो फिलहाल पकौड़े बना लिए हैं, तो चलो पहले हम अपना डिनर कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं। लंच में दही के साथ हम ये खा रहे हैं, दही के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं पकौड़े, कभी ट्राई करके देखना। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो जो मैं मेकअप के लिए वाइप्स यूज़ करती थी वो हो चुके हैं ख़त्म। तो अब मैं फ़िलहाल ये वीनू के जो है जॉनसन्स बेबी के जो है वाइप यूज़ करूँगी अपना मेकअप रिमूव करने के लिए। और अभी फ़िलहाल उसको हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो जब कोई मालिश वगैरह करना हो रात वगैरह में तो स्पॉन्ज करने के लिए करती हूँ, अदरवाइज़ वॉशरूम के लिए अब मैं उसका ये यूज़ नहीं करती, अब सीधा पानी का यूज़ होता है। तो ये फ़िलहाल बचे हुए थे तो अब मैं इनको अपना मेकअप रिमूव करने में जो है काम में ले रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा फाड़ के पहले मैं जो है आईज़ का आई शेडो और ये जो भी लगाया ये सब मैं रिमूव कर लेती हूँ। वाइप्स का फ़ायदा ये होता है, ये देखिए एक स्वाइप में ही आपका पूरा मेकअप जो है रिमूव हो जाता है। अभी नीचे काजल लगा है तो ये थोड़ा सा वो करेगा, अदरवाइज़ ये देखिए सिर्फ एक स्वाइप में ही पूरा मेकअप रिमूव, मैं पूरा पूरा करके ये देखिए दिखा रही हूँ आप सी। थोड़ा सा अभी ये एरिया भी पोंछ लेती हूँ जो भी एक्स्ट्रा है हल्का हल्का सा। क्योंकि वीनू को भी मैं पकड़ूंगी तो फिर वो क्या करती है, वो मेरा गाल खाती है, तो फिर इसलिए मैं बिल्कुल मेकअप में नहीं रहती हूँ आजकल, कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे कुछ भी नहीं चाहती हूँ कि उसके मुंह में जाए। हो गया फेस साफ, बस लिपस्टिक अपने आप लगी रहती है। तो ये एक वाइप भी नहीं था, हाफ वाइप में मेरा मेकअप हो गया है साफ, और इसको मैं इसकी वापस इसकी जगह पर रख देती हूँ। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी, बात ये थी कि हमारे आसपास में भी कुछ लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें से मतलब दो, एक तो पूरी एक फैमिली के चार मेंबर थे और एक लेडी थी, वो अपने आप को कहीं दिखाने गई थी तो जिनके थ्रू उनको वहाँ पे किसी और के थ्रू हो गया। कोई भी किसी की ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बट वही है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या अनजाने में जो हुआ वो कोरोना, अभी मुझे देख रही है, कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद जो है उनको क्वारंटाइन कर दिया गया या जैसे भी उनको इलाज के लिए ले जाया गया, बट जब उनको वापस लाया गया तो उनको बहुत अच्छे से स्वागत
उनका किया गया, जो फैमिली वाले लोग थे उन्होंने पूरी गली, वो वीडियो मेरे पास नहीं है एक्चुअली, पूरी गली वालों ने उनका जो है तालियां बजा के स्वागत किया, जो चार मेंबर मैं बता रही हूँ आपको, तालियां बजा के स्वागत किया, फिर वो अपने घर गए। और जो एक सिर्फ लेडी थी वो भी अभी हाल ही में आजकल में ही वापस आई है, और उनको भी उनके घर में सबने तालियां बजाई, उनकी आरती उतारी, उनकी नजर उतारी और इस तरीके से उनका स्वागत किया कि मैं वो वीडियो, ये जो लेडी वाली है वो आपके साथ लास्ट में शेयर कर दूंगी, आप उसे देखना। बट मैंने न्यूज में देखा था कि एक लेडी डॉक्टर जो जिसको बोलते हैं ना ये कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे लिए काम कर रही थी और उन लोगों का इलाज करते करते वो खुद पॉजिटिव हो गई, तो जब वो पॉजिटिव, उनकी रिजल्ट नेगेटिव आई और वो घर आ गई, तो उनके पड़ोसियों में, उनके सोसाइटी में उनके साथ कैसा बिहेव हुआ कि उनके घर के बाहर से उनको लॉक कर दिया गया, जिससे वो अकेली वो रहती थी, वो जिससे बहुत ज़्यादा सहम गई, डर गई। उन्होंने पुलिस वालों को जो है बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो पुलिस वालों ने आके उन्हें खुलवाया, लॉक वगैरह खुलवाया, और जो सोसाइटी के लोग थे उनको पता नहीं कैसी नज़रों से देख रहे थे, ऐसा बिहेव कर रहे थे कि पता नहीं अब एक बार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं तो इनके साथ ये हमको भी कर देंगे, या जाने क्या क्या उन लोगों के मन में था। तो बस यही है कि अगर ठीक है कोई पॉजिटिव हो रहा है और ये नहीं पता है कि आज मैं हूं या कल आप हो, कोई किसी को भी हो सकता है, पर वो ठीक होके आ रहा है तो उसके साथ इस तरीके का बिहेव हो करना बिल्कुल ही गलत है, ये बिहेव नहीं होना चाहिए। उल्टा उनका जो स्वागत हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एकदम अपनी जान को मतलब जोखिम में डालकर वापस आए हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं और जो आम लोग हैं उनके अभी दूसरा जन्म ही लगा लीजिए अगर वो कोरोना से नेगेटिव होके आ रहे हैं तो। तो बस यही कहना है कि अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा होता है तो पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत जाइए, उनके साथ छुआछूत का बिहेव ना करिए, बस यही कहूँगी। और आगे लोगों को भी यही आप लेसन दें मेरा, और लास्ट में मैं आपको वीडियो जो है दिखा दूंगी कि किस तरीके से उनका जो है आदर सत्कार हो रहा था जब वो घर आई हैं। और बस आज की वीडियो जो इतना ही है और इसे मैं भी ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, और वीडियो को पूरा देख लीजिए करिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलो हेलो भाई, ताली बजा दे। हमारी भाभी ने बहुत तगड़ा जंग जीता कोरोना वायरस।